नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए और हम मंडे के जो बजट आने वाला है उसमें मैं आपको छोटा सा एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है और लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी है, उसको कैसे यूज करना है चलिए देख लेते हैं। और मंडे के दिन बजट आने वाला है तो मैं आपको ऐसे कुछ लेवल नहीं दे सकता कि भाई इससे नीचे जाए तो ही बजट आने वाला है, सो मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के बारे में। अगर बात करें आपके स्क्रीन के साइड में आ रहा होगा टेलीग्राम चैनल में, मैं पहली बात तो 8 बजे मैंने क्लियरली बता दिया था कि कहीं ना कहीं वेग निफ्टी के आज ऊपर का साइड रह सकता है। एंड मैंने बोला था टुडे वी गो फॉर बाय बट प्राइस एक्शन के साथ एंड बिग गैप अप, देन वी विल वेट फॉर लेवल एक्टिवेट, देन वी ट्रेड विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, मैंने सुबह आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन के साइड में आ रहा होगा मैंने बता दिया था। एंड मैं ये जो डाटा बताता हूँ, आप सोच रहे हो कि ये मैं क्यों बताता हूँ, ये मैं इनडायरेक्टली अपने स्टूडेंट के लिए बताता हूँ। और हमारे जो ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है आप सोच नहीं सकते, बहुत ईजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी स्ट्रेटेजी है और मेरे स्टूडेंट लोग वो स्ट्रेटेजी से काम भी करते हैं। एंड 11:30 से उनको इंडिकेट मिल गया था कि यहीं से मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो कैसे स्ट्रेटेजी है क्या है, अगर आप सीखना चाहते हो डेफिनेटली आप स्क्रीन के साइड में व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि सुबह मैंने बता दिया था ग्रीन रहने वाला है, तो यहीं के हमें प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ हमें ग्रीन का इंडिकेशन मिल गया था। सो दैट मैं 10:56 आप देख सकते हैं साइड में आ रहा है, 10:56 पे मैंने क्लियरली बोल दिया था 30,564 अगर ब्रेक करेगा एंड सस्टेन करेगा देन ओनली गो फॉर बाय। मैंने ये भी बोला था रिस्की ट्रेड है जस्ट बिकॉज आप वोलेटिलिटी को देख सकते हो ऊपर नीचे हो रहा था, सो दैट मैंने ये बोल दिया था। आप देख सकते हो 11:58 तक ये जो ऊपर का लेवल आप देख रहे हैं इसको ब्रेक नहीं किया था, बट इसको अगर ब्रेक एंड सस्टेन किसे बोलते हैं, देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं। ब्रेक एंड सस्टेन मीनिंग 5 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक कर दे एंड अगले 5 मिनट का कैंडल अगर इसको हाई को तोड़कर कंप्लीटली ऊपर जा रहे हैं देन वी गो फॉर बाय, राइट। और ये ऊपर का लेवल मैंने दिया था, ये जो आप लाइन देख रहे हैं 30,564। वेरी वेरी सॉरी अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं दिल से आपको हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए तो यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। जो गेज कर पाए उनका बल्ले बल्ले और जो गेज नहीं कर पाए इट्स ओके। आप अगर फोमो में आके ट्रेड ले रहे हो तो आपका यही हालत होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़े से पेशेंट रखो, आराम से ट्रेड लो, कोई बात नहीं। अगर 20 पॉइंट चला भी जाए तो कोई बात नहीं, हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, ओके। तो मैंने ये भी देखिए क्लियर टू क्लियर अपडेट किया था। और पता है आपको यहाँ पे जब कहीं ना कहीं मैं ट्रेड ले लिया था लेकिन अगेन स्टॉप लॉस हिट किया, राइट। एंड जब यहाँ पे अगेन ब्रेकडाउन दिया था एंड अगेन मैंने यहाँ पे री एंट्री लिया वही सेम प्राइस पे, जस्ट बिकॉज देखिए नीचे से सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस ऊपर से रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर रहा था, ऊपर से ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जो था, सो दैट के ऊपर जैसे ही ब्रेक किया इतना बड़ा मोमेंटम दिया, अगेन ये फॉल हो गया, ठीक है। और ये इतना बड़ा मोमेंटम देख के जो लोग यहां पे बाय किए होंगे उनका भी गया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज अगर एंटर करना है तो पॉइंट टू पॉइंट ही एंटर करो। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन के लिए मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ स्ट्रेटेजी क्या रहने वाले हैं। और जो भी स्ट्राइक प्राइस हमें बाय सेल करना होगा डेफिनेटली मैं प्लीज टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। मंडे के दिन में बजट शुरू होने से पहले मैं आपको 2 स्ट्राइक प्राइस दे दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। देखिए मंडे के दिन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से चुपचाप बैठ जाना है। जब बजट अनाउंस होने वाला है उसका 10 मिनट पहले आप एक काम करिए, 14,000 का सी बाय कर लीजिए, ये जो वीकली है 14,000 का सी एंड नीचे का 13,500 का पी, राइट। ये दोनों आप बाय करके बैठ जाइए। निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए निफ्टी में आपको इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होने वाला, बहुत ही सेफली ट्रेड है। आप एक काम करिए, जैसे ही बजट डिक्लेयर होगा उसके 10 मिनट पहले आप एक काम करिए, 14,000 का सी को बाय कर लीजिए एंड 13,500 का पी को बाय कर लीजिए। आप पूछोगे सर इसका लॉजिक क्या है, कि आप आउट ऑफ द मनी थोड़े थोड़े बाय कर लीजिए, अगर कोई बैड न्यूज या फिर कुछ बैड अनाउंसमेंट हो गया, अगर मार्केट धड़म करके नीचे गिर गया तो कहीं ना कहीं सी की तरफ तो प्रीमियम पिघल जाएगा, सी की तरफ जो है वो तो पिघल जाएगा, आपको वहाँ पे लॉस होगा, लेकिन पी की तरफ क्या होगा अचानक उसके 2 गुना हो जाएगा, इसीलिए आपको फायदा होगा। एंड मेरे स्टूडेंट लोगों को भी आज व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे मैं बता दिया हूँ कि मैं बैंक निफ्टी का कौन से होल्डिंग पे रख के गया हूँ। मैं कभी होल्डिंग पे रखता नहीं हूँ बट मैं स्ट्रेडल बना के ही गया हूँ, सॉरी स्ट्रेंगल बना के। तो देखिए अब मंडे के दिन हमें क्या करना है, आपका निफ्टी का व्यू पता चल गया, जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है उसके 10 मिनट या फिर 15 मिनट पहले आप एक काम करिए, 14,000 का सी को बाय कर लीजिए, 13,000 का पी को बाय कर लीजिए और 3 बजे तक चुपचाप बैठ जाइए, कुछ मत करिए, जो होगा वो देखा जाएगा, डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी ये मत कर देना कि एक तरफ अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको लॉस मिल रहा है तो ग्रीड में आके नहीं मैं ये क्लोज कर लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूं, इसीलिए ऐसे मत करना, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटेजी बता दिया, दोनों बाय करके बैठ जाना है, 3 बजे स्क्वायर अप करना है। बैंक निफ्टी की अगर हम देखें
अब मंडे के दिन हमें सिंपल सा करना है 31,000 का सी को बाय कर लेना है, 30,000 का पी को बाय कर लेना है, राइट। 31,000 का सी एंड 30,000 का पी को बाय करके चुपचाप बैठ जाना है, वो भी बजट अनाउंसमेंट होने से पहले ये काम करके चुपचाप बैठ जाना है, वो भी 3 बजे तक। जिस साइड प्रॉफिट मिला मिलता जाए, कोई बात नहीं, मार्केट जिस साइड जाए जाए, तो यहाँ पे लिमिटेड रिस्क होगा, बट अगर प्रॉफिट हो गया, अगर मार्केट ने बहुत बड़ी मोमेंटम कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आई होप आपको व्यू क्लियर हो गई, ये आपको छोटे छोटे स्ट्राइक प्राइस मैंने बता दिया कि यहाँ पे बाय ऐसे करना है, सिंपल सा है। अब मैं आप खुद बताओ क्या ही लेवल दूँ आपको मैं, उधर वोलेटिलिटी रहने वाला है और क्या ही लेवल दूँ। अगर मंडे के दिन मुझे कुछ स्ट्राइक प्राइस मिलता है तो डेफिनेटली मैं लॉन्ग जो स्ट्रेडल है एट द मनी का, दोनों को हम बाय करके चुपचाप बैठ जाएंगे, वो भी वो स्ट्राइक प्राइस भी मैं आपको मंडे को शेयर कर दूंगा। सो प्लीज अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल का एक्यूरेसी देख सकते हैं। प्लीज आप अगर बिलीव नहीं हो रहे हैं आप सबको, तो प्लीज आप जाइए 7 दिन के, आप 15 डेज का जब से शुरू किया हूँ टेलीग्राम चैनल उस दिन से मेरा लेवल का एक्यूरेसी देख लीजिए। अगर आपको ये सारे स्टडी सीखना है और मेरे स्टूडेंट कैसे काम करते हैं, मैं कैसे उनको सिखाता हूँ, वो सबको सीखना है, व्हाट्सएप नंबर ऊपर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सबको सीखने को मिल जाएगा। अगेन मैं बता देता हूँ, आप सोच नहीं सकते इतना कुछ आपको सीखने को मिला है, एंड फीस ओनली एंड ओनली 3,500 है। एंड और एक एडवांटेज है, अगर आप अभी कोर्स ज्वाइन करते हो तो आगे आने वाले टाइम में मैं ऑप्शन बाइंग का एक मतलब पूरे कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी उसके लिए आपको कुछ फीस पे करने को नहीं पड़ेगा। आप अभी अगर फीस पे कर दिए तो लाइफ में आगे आने वाले टाइम में जो भी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा वो आपको फ्री में मिलेगा, वो आपको कोई भी फीस पे करने को नहीं पड़ेगा, एंड उल्टा मैं फीस उस टाइम इंक्रीज कर दूंगा। बट आप अगर अभी से ज्वाइन कर लिए तो आपको कोई भी फीस पे करने को नहीं पड़ेगा, एंड आप अगर एपस्टॉक पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो आई होप आप सबको क्लियर होगी, एंड प्लीज आप मेरे लेवल का एक्यूरेसी देख सकते हैं। आप अगर मेरे लेवल के हिसाब से भी 7 डेज ट्रेड करते हैं तो आराम से 4 डेज डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे, कहीं एक दिन मिस हो जाता है कुछ, लेकिन 99% टाइम काम ही करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग इतने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वेरी वेरी सॉरी कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आपके स्क्रीन के सामने है कंटेंट आ रहा है, आप जानते हैं कि यही सब सिखाने के लिए लोग इससे भी घटिया सिखाने के लिए सिर्फ मूविंग एवरेज बता देते हैं, ये सब करने के लिए 30,000-40,000 तक चार्ज करते हैं। सो दैट आपको अगर रियली में लर्न कर रहे हैं, एंड इफ़ यू रियली ट्रस्ट मी देन प्लीज ज्वाइन द कोर्स। बस यही मैं आप सबको ओपनली पब्लिकली ट्रस्ट मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये कोर्स, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगेन अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए, एंड मंडे के लिए कैसे क्या काम करना है आपको मैंने बता दिया। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए ऊपर से हमारा लाइव क्लासेस रहेगा, वो भी वीक में 3 से 4 बार, जहाँ पे हम डिस्कस भी करते हैं, और मेरे स्टूडेंट को मैं अगेन आपको स्टूडेंट लोगों को अगेन एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, सो देट आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।